इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम मेघालय बॉर्डर पर फायरिंग पर सीएम हेमंत विश्वा का बड़ा बयान आया है। फॉरेस्ट गार्ड ग्रामीणों में झड़प हुई है, सीमा विवाद नहीं है, मामले की सीबीआई और एनआईए जांच होगी। ये बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा का आया है। लक्षित बार फुकन को लेकर बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा मेरे साथ हैं। सर, 400वीं जयंती है उनकी और आज तक दिल्ली में इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ, आज पहली बार आप ये कार्यक्रम लेकर दिल्ली आए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिल्ली में पहले लसित बरफुकन के लिए कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम शायद आगे नहीं हुआ था और आगे ऐसा मौका भी नहीं था। पिछले 450 साल तो इसी ईयर में आया है। गर्व की बात है क्योंकि औरंगजेब की सेना को हराया था, आप लोग के लिए एक बड़ा आइकॉन नॉर्थ ईस्ट का, ये भारत का आइकन है। औरंगजेब भारत का ही एक अंश लेने के लिए गया था, भूखंड लेने के लिए गया था, ले नहीं पाया। अगर औरंगजेब उस समय असम को कब्जा में ले लेता था, देन वो पूरा म्यांमार तक एक्सपांड करके चला जाता था और लोगों को कन्वर्शन, फोर्सफुल लूटमार बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन लसित ने असम का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व किया और मुगल को हरवाया। सो ये गौरवमय इतिहास देश का बुरंजीकार को मालूम होना चाहिए। इट इज़ बैक ऑल बैक बाय एविडेंसेस, इसका बारे में चर्चा होना चाहिए। सर, एक और जो अभी सवाल है, असम मेघालय सीमा के पास कुछ गोलीबारी हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे और किस तरह के जांच के आपने आदेश? ये एक समस्या हुआ था कल, कोई फॉरेस्ट का टिम्बर को लेके हुए फॉरेस्ट और लोकल लोगों का बीच में झगड़ा हुआ, थोड़ा सा मेरा हिसाब से फोर्स एक्सेसिव यूज हुआ था, इसीलिए मैं पुलिस अधिकारी को सस्पेंड भी किया हूँ, जुडिशियल इंक्वायरी भी अनाउंस किया हूँ और साथ में भारत सरकार का कोई भी जांच एजेंसी ये जांच करे, इसके लिए मैं रिकमेंड भी किया हूँ। सीमा विवाद की बात विपक्ष कह रहा है, आपको क्या लगता है? ये कोई सीमा विवाद का साथ इसका कोई संबंध नहीं था, इसलिए कोई असम पुलिस भी नहीं गया था किसी को एविक करने के लिए और मेघालय से भी कोई एक्सपांशन के लिए नहीं आया था, तो इसीलिए इसका साथ सीमा विवाद का तो कोई ताल्लुकात नहीं है। शुक्रिया आपका। ये थे हेमंत बिस्वा शर्मा, इनका साफ कहना है कि जो असम मेघालय सीमा पे हुआ वो सीमा विवाद नहीं था, कुछ एक्सेसिव फोर्स पुलिस की तरफ से यूज हुआ है और उसके लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पुलिसकर्मी जो वहाँ जिम्मेवार थे उनको सस्पेंड किया है। साथ ही एनआईए और सीबीआई जांच के लिए भी केंद्र को आग्रह किया गया है।